हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटाबेस को सर्च करने के लिए हम सर्च बॉक्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सर्च बॉक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें डेवलपर टैब की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप देखेंगे पहले से जो है होम, इंसर्ट पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू और व्यू और हेल्प, ये सभी टैब आपको ऊपर हाईलाइट होते हैं, पर डेवलपर टैब आपको हाईलाइट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें उस टैब को एक्टिवेट करना होगा ताकि हम सर्च बॉक्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है और नीचे आप देखेंगे ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट के नीचे, तो आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स की एक विंडो ओपन होती है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कस्टमाइज रिबन टैब पर क्लिक करना है और आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर जितने भी टैब आपके एक्टिवेट होते हैं उन सभी पर आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर जो है डेवलपर टैब आपको दिखाई दे रहा है। तो डेवलपर टैब अभी एक्टिवेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस टैब को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो है डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर हमें हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड, सर्च बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको जहाँ पर भी सर्च बॉक्स तैयार करना है सबसे पहले आप उन सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर क्लिक करना है और मर्ज और सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, जितनी भी आपकी सेल आपने सेलेक्ट करी वो मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड, डेवलपर टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपने सेल मर्ज करी है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक जो है एक बॉक्स प्रिपेयर करना है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो आप इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का यूज़ करते हुए राइट बटन क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट जो भी जो सेल होती है उसको सर्चिंग सेल बनाना चाहते हैं वो सेल आपको जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है लिंक सेल, उसके आगे आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर जो सर्चिंग सेल है हमारी, हम B4 बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है B4 हमने टाइप कर दिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको करने के बाद आप एक इंटर प्रेस कर देंगे और आप जो है प्रॉपर्टी जो विंडो है इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड, आपके जो डेटाबेस जो भी आपने तैयार कर रखा है, ठीक है, सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको एग्जांपल समझाने के लिए पहले से मैंने यहाँ पर जो है एक टेबल तैयार करके रखी जिसके अंदर पहले से डाटा ऑलरेडी फिल है, उसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो लास्ट ऑप्शन है, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फार्मूला जो है टाइप करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है और फिर आपको एंड टाइप करना है। उसके बाद आप एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको सर्च टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड, एक और ब्रैकेट का यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो सर्चिंग सेल आपने जो है टारगेट बनाई है वो सेल का एड्रेस आपको टाइप करना है। सेल एड्रेस आप डॉलर के साइन का यूज़ करते हुए टाइप करेंगे, तो हम डॉलर का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने जो सर्चिंग सेल हमने सेट करी थी वो B4 थी, तो यहाँ पर हम सेल B लेंगे। उसके बाद अगेन हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे और जो हमारी सर्चिंग सेल का एड्रेस है वो हमने पूरा टाइप कर दिया है। उसके बाद हम एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंट जो हमने जो टेबल हमने सिलेक्ट करी हमारी डेटाबेस की, उसकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो अभी आपके सामने जो मैंने टेबल तैयार करी है उसकी स्टार्टिंग जो हो रही है A7 सेल से हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब से आपकी स्टार्टिंग होती है टेबल की वो सेल एड्रेस आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ A7। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम एक कोमे का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, जो आपकी सर्चिंग सेल है उसको फिर से आपको जो है डॉलर का साइन यूज़ करते हुए टाइप करना है। तो हम यहाँ पर डॉलर का साइन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर बी अगेन डॉलर का साइन और जो है हम ले लेते हैं 4। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह के दो ब्रैकेट का यूज़ करना है, फर्स्ट और सेकंड, और डबल इनवर्टेड कोमा को आपको 2 बार टाइप करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लास्ट टैब होता है फिल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मेट तैयार हो चुका है। उसके बाद आप अगेन डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके जो जो डिज़ाइन मोड है इस पर आप अगेन क्लिक कर देंगे ताकि, ठीक है, वो डिज़ाइन मोड से हट जाए, ठीक है। अब आप इस सर्च बॉक्स में जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो डाटा आपको जो है सर्च करके दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर देखेंगे, हमने ऑफिसर वर्ड टाइप किया, तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑफिसर वर्ड है वो उनको हाईलाइट कर रहा है, सर्च करके बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से अपने डेटाबेस में से सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा DFend के किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सर्च बॉक्स तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो DFend वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियोस आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।